अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही बात आडवाणी जी ने कही कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। गवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बीजेपी को डर ही नहीं है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर? कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे CBI आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं LG टांग अड़ाता है बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और जो 12% है वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वो डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ, अगर 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में। रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो, अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर,
इंडियन रेवेन्यू सर्विस में पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते। साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ, 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं कहते वो तो चंदा है। अच्छा अगर कोई अच्छे काम करे कहते नहीं तेरा धंधा है। सर पंजाब दे विच अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, पर इसके बावजूद कांग्रेस के जिहड़े भी विधायक ने ओह इस चीज नू निंदा कर रहे ने जिस तरीके दे नाल गिरफ्तार। पर उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है, जिन्होंने कहने के एक पासे राहुल गांधी तो नाल खड़न की गल कर रहे हैं पर पंजाब कांग्रेस के लीडर सेलिब्रेट कर रहे हैं। केड़े लीडर पंजाब कांग्रेस दे? पंजाब कांग्रेस च भावे लीडर है उसे पंजाब कांग्रेस लीडर है आपस की लड़ाई ठीक कर लेने जा रही खड़ी का। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सो पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहाँ कहाँ गिरफ्तार करोगे? सारे बढ़ाएंगे हम मिलके। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, यूनिट अलग हो जाएगा, दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इस तरह के स्पेकुलेशंस को देखो भाई साहब, जब इनको सोचने ही इन्होंने दिन रात यही है किसकी सरकार गिरानी है, किसकी तोड़नी है, किसके एमएलए खरीदने हैं, अभी तक यही तो करते आए हैं। जहां पे जीतते नहीं वहां खरीद लेते हैं, जहां पे इलेक्शन से नहीं जीते वहां बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं। 30 बंदों से इस्तीफा ले लो, फिर बाई इलेक्शन करवा लो, हाउस की संख्या कम करके सुबह 4 बजे गवर्नर को जगा लो कि ओथ करवा, एक बार ओथ करवा। में बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी वही है, बीजेपी को डरी हुई है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर, उनको बाकी पार्टियों के पता नहीं कितने इतने बड़ी बड़ी फैले बना के रखी हुई है, झूठी सच्ची बना के रखी हुई है। एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इतना तेजी से जा रही है आगे, तो इनको लगता है यार ये जहां भी जाते हैं तो अभी पंजाब में देख लेंगे। पंजाब में हमने कहा है 13-13 जिलों का, अभी दिल्ली में अच्छा जा रहा है, अभी कुरुक्षेत्र में, गुजरात में, हम सब जगह पे जाएंगे। तो इसलिए उनको मुख्य आरोपी लग रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है वो मुख्य आरोपी है।